50 साल पहले तक अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में ज्यादातर खुले बाजार और तंबू की तरह घर हुआ करते थे। वहाँ जीवन यापन के लिए खजूर बीने जाते थे, मोती तलाशे जाते थे और ऊँटों की नस्लें पाली जाती थीं। उसी रेगिस्तान में आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे भव्य होटल, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजे हैं, साथ ही अपने दफ्तरों में 4.5 दिन का कार्य दिवस किया है। अरब देशों के बीच अपने तेल के कुओं की बदौलत आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के जबरदस्त समावेश वाला संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पूर्व और पश्चिम के बीच एक गेटवे बन गया है। सऊदी अरब में हुए इस कायापलट के पीछे जिस एक शख्स की ओर कई जानकार इशारा करते हैं वो है शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयन, जिनका बीते महीने निधन हो गया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स माने जाने वाले अबू धाबी के अमीर और शासक शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान UAE के दूसरे राष्ट्रपति थे। 2014 में स्ट्रोक का शिकार होने के बाद उन्होंने शासन का रूटीन काम छोड़ दिया था, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह दिखती थी। उनकी तस्वीरें हर जगह दिखती रहीं, होटलों की लॉबी में, सरकारी दफ्तरों में और यहाँ तक कि दुकानों और रेस्तरां में भी। शासकीय काम की देखरेख बिना कोई आश्चर्य उनके भाई मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान के हाथों में आ गई, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पिछले दशक में अमीरात विदेश नीति के प्रमुख रहे। अब वो देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। शेखों के इस राजवंश ने किस तरह एक कबायली राज्य से अपने देश को मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर मुल्क बनाया, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1960 के दशक के अंत तक ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में से एक अरब के प्रायद्वीपों को छोड़ना शुरू कर दिया था। एक सदी पहले अंग्रेज वहां तब आए थे जब वहां से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को कुछ लड़ाकू कबायली लूट लेते थे। उन पर नियंत्रण पाने के लिए ही अंग्रेज वहां आए थे। हालांकि वहां तेल की खोज कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों को वहां रहने में लाभ से ज्यादा खतरा दिखा तो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। इसके पीछे की वजह 6 अमीरातों के शेखों का आपसी मामलों के निपटारे और समन्वय के लिए एक परिषद के गठन का फैसला था। दिसंबर 1971 में ये सभी 6 अमीरात एकजुट हुए और एक नए अर्ध स्वायत्त देश संयुक्त अरब अमीरात का गठन किया। कुछ महीनों बाद एक अन्य अमीरात रास अल खैमा भी इनसे जुड़ गया, जो आज भी संयुक्त अरब अमीरात के नक्शे पर मौजूद है। अबू धाबी के तत्कालीन अमीर जायद बिन सुल्तान अल नहयान खलीफा के पिता और मोहम्मद इस मुल्क के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तेल की खोज हो चुकी थी और बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में पैसे लगाए गए और जनता के पैसे में इजाफे की एक प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ अमीरात ने पर्यटन पर दांव लगाया तो कुछ ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाई और इस तरह 1985 के दुबई के बाहरी इलाके में एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह और व्यापार केंद्र जेबल अली मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया। ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। संयुक्त अरब अमीरात के नए और केवल दूसरे राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था कि वो 2008 में आई आर्थिक तंगी से कैसे निपटेंगे। शेख ने फैसला लिया और अमीरात में करोड़ों डॉलर के बेल आउट फंड डाले गए, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज दुबई खड़ा हुआ, जिसका नाम बदलकर इसके आधिकारिक उद्घाटन के समय जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा कर दिया गया। चाहे सरकारी हो या निजी, अमीरात के पैसे बड़ी बड़ी कंपनियों, प्रमुख रियल स्टेट, वित्तीय संस्थाओं, बड़े ब्रांड और यहां तक कि फुटबॉल क्लब में निवेश किए गए। शेख खलीफा ने तेल पर आर्थिक विकास की निर्भरता को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया। पिछले साल ही UAE ने कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने के लक्ष्य की घोषणा की है। साथ ही उसने इस दौरान कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहर मस्दर का विकास जारी रखा है। हालांकि UAE के शासन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने UAE की आलोचना में कहा कि वहां प्रेस या समूहों को कोई स्वतंत्रता नहीं है और व्यवस्था के आलोचकों को जेल में डाल दिया जाता है और कभी कभी मार भी दिया जाता है। एमनेस्टी ने 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमीरात सरकार में मनमानी, गिरफ्तारियां, जेल में अमानवीय व्यवहार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के उल्लंघन समेत गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन जारी हैं। वैसे तो यह मध्य पूर्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, लेकिन अमूमन 20,000 से 1,00,000 लोगों को वहां स्टेटलेस माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है जो वहां स्वास्थ्य, घर, शिक्षा, नौकरी जैसी चीजों में अमीरात के लोगों को हासिल है। हाल ही में विश्व स्तर पर UAE के प्रभाव का सबसे अहम असर तब देखने को मिला जब शेख खलीफा की मौत हुई। अमेरिका ने उनके अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा तो क्यूबा और भारत जैसे देशों ने आधिकारिक शोक की घोषणा की।
अपने भाई की मौत से पहले मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान जब उनकी छाया के पीछे थे, तब से ही उन्हें उस अरब नेता के रूप में देखा गया है जिन्होंने अपने देश के प्रभाव को दूर देशों तक फैलाने की पुरजोर कोशिश की है।